से ये कैसे शुरू हुआ? मैंने ये कहा कि भैया इस देश के राजनीति का अब जो रिंग मास्टर है, इस रिंग मास्टर को पहले पहचानना होगा और तो बीमार बना दिया है इंक्वायरी के माध्यम से और अपने ऑपरेशन टेबल पे उसने उनको सुला दिया। और यही कह रहा है कि भैया बचना है तो मैं जैसे कहता हूं उगल गया। अगर आप अपनी मर्जी करना चाहते हो तो ऑपरेशन करते करते अल्लाह प्यारे हो जाओगे। तो कोई भी आदमी जो है वो अल्लाह प्यारा नहीं होना चाहता, वक्त आने तक वो अपनी जिंदगी अदा करना चाहता। इसलिए ये रिंग मास्टर की जो अपनी एक चाल चल रहा वो ये है कि अगर ये इकट्ठा नहीं बैठे तो मैं जीत गया था। और इसलिए राजनीति में भी उसने एक शुरुआत की है कि यह कोई समझौता ना, हम लोग सब इस बात को लेकर बैठे हैं कि यह संविधान को बचाना है, संविधान पता तो अपना पूरा बचता है और सब इकट्ठा आते हैं। बढ़िया बीजेपी की सरकार जो है उसको रोकने में दोबारा सत्ता पे ना आए इसके हम लोग कैसे, ये हम लोग की सोच है। ये सोच बराबर है, गलत है, समझ नहीं कर पूरी तरह से सही सोच है, लेकिन खेल अपने हाथ में नहीं, वोट देना अपने हाथ, इनको इकट्ठा रखना है इनको इकट्ठा ना रखना ये अपने हाथ में नहीं। हम खाली उनसे कहेंगे कि इकट्ठा आ जाओ, आप इकट्ठा लड़ो, हम आपको मदद कर दी पूरी तौर से मदद करने के लिए तैयार है। जो कोई उम्मीदवार होंगे उसको हम लोग निकालने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ तक हम लोग की हद है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसको अमल करना जो है, इसमें अमल करना जो है, ये अमल जो है वो राजनीतिक दलों के नेता जो है उन पर निर्भर है। और उन सब नेताओं को मैंने जैसे कहा कि ऑपरेशन टेबल पे मोदी ने सुना दिया है और कहा है आप जिंदा जब तक रहोगे तब तक हमारी बात सुनते रहो। अब ये जो मामला है संगीन मामला है, बात कि वो अपनी चाल से दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। हम लोगों का ये देखना है कि वो दोबारा सत्ता में ना आए। ये जो आरएसएस बीजेपी की ओर से जो खेल चल रहा है मोदी के माध्यम से चल रहा है कि अलग अलग रखना, इसका एक फायदा कि जिस वक्त मैं मुसलमानों को कहूंगा कि आपको गौर से विचार करें, ये बात सही है कि मोदी किसी को आने नहीं देगा, ये साथ में किसी को रखेगा और किसी को अलायंस करने का मौका भी नहीं देगा। जिस दिन अलायंस किया उस दिन उसको अंदर डाल दिया। उदाहरण के तौर पर कहूं तो राहुल गांधी ने लोगों का ही जुमला जब उठाया चुनौती कर, उसके दूसरे दिन एक न्यूज आई कि आप लोगों ने देखा होगा मुझे मालूम नहीं पता है कौन सी न्यूज आई थी, न्यूज ये आई थी कि जिस रल पेपर के माध्यम से सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को ईडी की इंक्वायरी में हेराल्ड जो है
उसके दो दिन बाद ये हुआ था कि उसकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और हम लोग एफ आई आर दर्ज करने के लिए तैयार बैठे हैं। एफ आई आर दाखिल करना मतलब अरेस्ट करना, जो कानूनी यहाँ पर जानते हैं कि एफ आई आर आने के बाद बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट होता है। नॉन बेलेबल वारंट रहा तो पहले उसको अरेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको कोर्ट के साथ फिर उसको कोर्ट के सामने पेश होना होता है। कोर्ट ने उसे बेल दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो फिर छगन भुजबल उसका हो गया। तो हर कोई जेल जाना नहीं चाहता, मतलब अपनी तौर से भी कहता हूँ कि पुलिस ने अभी तक पुलिस ने कभी पकड़ लिया तो हम उसे ये कह दिया कुछ ले लिया और अफा दफा कर दिया। ये हम लोग की खुद की मानसिकता, तो नेताओं की कोई अलग मानसिकता होती है ऐसा मैं नहीं मानता, उनका भी वही है भैया। इसलिए कुछ बात मानी जाएगी कुछ बात मानी नहीं जाएगी। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम इकट्ठा मत लड़ो, इसके लिए ये बात मानी जाएगी और हर दल जो है वो अलग अलग, ये अनुमान मैं कह रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि सभी इकट्ठा आए और संविधान बचे और यहाँ का सरकार में बदलाव आए, ये हम लोग की मंशा है। मंजिल से कि हम लोग मंशा कोई रूप में सब उसके अगर रिंग मास्टर है तो उसको हम लोग उतार सकते हैं, रिंग मास्टर नहीं है तो हम लोग उतार नहीं सकते उसको, ये हम लोग की मंशा है। अगर हम लोग की मंशा के मुताबिक अगर परिस्थिति यहाँ पर खड़ी हो जाती है वैसे ही होती है तो हम लोग जी जाते इसी एक वर्ष। लेकिन हम लोग को भी किस हाल से किस तरह से यहाँ पर जीतना है ये मेरे ख्याल से हम लोग ने ख्याल हमारा बनाना चाहिए। अब हम लोग कैसे जीत, मान लो कि मैं आखिरी स्टेप से मैं कभी भी जो अपने फायदे की बात है मैं उसको कभी सोचता ही नहीं, जो फायदे की बात है वो तो आएगी ही, उसको प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति अपने काबू में नहीं हो उस पर सोचना मुनासिब है ऐसा मैं वहां पर समझता हूं, क्योंकि जो परिस्थिति अपने काबू में नहीं आएगी उसको किस तरह से काबू में लाना है ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अकलमंद की बात है। और वही अगर हम लोग करते रहे तो मैं समझता हूँ कि एक परिवर्तन की दिशा जो आज दिखाई दे रही है उस परिवर्तन की दिशा को जो है हम लोग एक रूप दे सकते हैं और उसको एक शक्ल दे सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर खराब से खराब वर्स्ट से वर्स्ट हम लोग जैसे कहते हैं क्या परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति ये होगी कि मोदी जी उनको किसी को इकट्ठा नहीं आने देंगे, बोले अपने अपने बैनर पर अलग अलग लड़ो। उनको लगता है कि अलग अलग लड़ने से अपना जो एक माहौल बना हुआ है उस माहौल पे हम लोग जीत सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति। लेकिन एक हकीकत जो हम लोग के सामने है कि जिसको हम लोग ने गौर करना चाहिए, कितने लोकसभा के कैंडिडेट है वो 1,00,000 वोटों से ज्यादा जीते, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से यहां 1,00,000 से ज्यादा जीते हो, तीन कॉन्स्टिट्यूंसी से कि जहां पर 1,00,000 से ऊपर ज्यादा जीते हो, बाकी जो है वो 1,00,000 के अंदर है। ऐसी एक परिस्थिति मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मोदी को कभी वोट नहीं देते, एक है मुसलमान जो दिखाई देता है, दूसरा जो है वो दिखाई नहीं देता, और वो जो दिखाई नहीं देता वो कहता है कि मैं शाह फुले अम्बेडकर इनके साथ में,
और ये संविधान उसी विचारधारा पर है, इसलिए मैं इसे बदल नहीं दूं। तो ये दो शक्लें हैं कि जो अभी की केंद्र सरकार जो है उनको कतई वोट नहीं देगी, ऐसी एक परिस्थिति है। एक वोट मैंने जैसे कहा कि आप लोग यहां पर बैठे हो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आज ही बात नहीं कर रहा, सांगली की ही बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर की बात कर रहा हूँ, सातारा की है, यहाँ मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अगर मान लो आप 4 कैंडिडेट रहे, 5 कैंडिडेट रहे, उनमें से बीजेपी के जो खेमा होगा उस कैंडिडेट को छोड़ के जिसके पास ज्यादा वोट है उसको अपने वोट दिया, वो जीतेगा या हारेगा? इसलिए यहां मुसलमानों को इस बार जो वोट करना है वो पार्टी के मुताबिक वोट नहीं करना। पार्टी आपको छोड़नी होगी इस इलेक्शन। किसी ने कहा मैं एनसीपी का हूं, किसी ने कहा मैं वंचित का हूं, किसी ने कहा मैं कांग्रेस का हूं, किसी ने कहा मैं अपना राष्ट्रवादी है या किसानों के साथ में हूं, तो आप बट जाओ। और आप बट गए तो हराना मुश्किल। और इसलिए है कि जो हराने की ताकत है वो आप में, आप इसको शक्ल कैसी देना ये तो आपके 3 आखिरी 4-5 दिन में ही आप लोगों को तय करना। मान लीजिए आएंगे तकरीरें देते रहेंगे, आएंगे नहीं हमारे पास ही वोट है, आप उनको ही दे दो, लेकिन वो आप लोगों को तय करना होगा। क्योंकि हाँ अगर मान लो अलग अलग रहे तो कांग्रेस का भी रहेगा, एनसीपी का भी रहेगा, शिवसेना का भी रहेगा, हम लोग रहेंगे और एक रहेगा, 5 कैंडिडेट तो वैसे ही हो गए। जो जो नॉन मुस्लिम वोट है ये 4 कैंडिडेट में डिवाइड हो गए। अब ये 4 कैंडिडेट में डिवाइड किया, 5 कैंडिडेट में डिवाइड हो गया, उसमें बड़ा मतलब एक दूसरे के खिलाफ गए, तो किसके खेमे में ज्यादा है ये आपको देखना है। जिसके खेमे में ज्यादा है उसके साथ में आपको जुड़ना है। आप उसके साथ में अगर जुड़ गए तो जिसके साथ आप जुड़ गए उसका विजय आपको। अच्छा, जो कुछ है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला है, आरएसएस के खिलाफ लड़ने, इसलिए उनके साथ में जाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए ये जो बातें जो है, मैं समझता हूं कि आप लोग उलमा बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे हुए हैं, रोजाना आपका लोगों के साथ में संबंध होता है। 3 महीने का वक्त है ऐसा मैं मान के चलता हूं। फरवरी मार्च में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, दिसंबर आ ही चुका है, जनवरी है, 2 महीने बाकी है। अगर हम लोगों से इस तरह से बातचीत करते रहे और लोगों से आगाह कर दिया कि वे इस इलेक्शन में पार्टी ने, इस इलेक्शन से मैं इस इलेक्शन में मैं सिर्फ मुसलमान की हो हैसियत से ही वोट करूं, तो ही मेरे ख्याल से जो साल में जो परिस्थिति बनी है, मुसलमानों की जो परिस्थिति बनी है, उससे मेरे ख्याल से छुटकारा हम लोग यहां पर पा सकते हैं। क्योंकि परिस्थिति जो है वो देते दिन खौफ है। क्योंकि परसों ही मैं बंबई के सभी इकरानों से बैठा था, संगठनों से बैठा था, और मैं उनसे कह रहा था कि फिलिस्तीनी के इशू पर अपन एक शांति परिषद ले, जनसभा ले। बोले हम आने के लिए तैयार है लेकिन बैनर आप
और कागजात पे आप साइन कर दो। तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि गलत हो तो गलत हो, अगर सही हो तो सही हो। तो इसलिए आपके मन में जो डर है वो राजनीतिक नेताओं के मन में भी डर है, ऐसा नहीं है कि वो भी डर नहीं रहे, लेकिन ये जो डर का माहौल जो है, खौफ का माहौल जो है, अगर ये सरकार आई तो मान लीजिए पूरा हिटलरिज्म जो है वो यहां शुरुआत हुआ। हिटलर ने जूट के साथ किया, आरएसएस आप लोगों के साथ, क्योंकि उनकी सोच जो है उस सोच में वो ही सिर्फ राजा है और बाकी के सब जो है वो गुलाम है। वो ही राजा है और बाकी के सब गुलाम है, और गुलामों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है उस तरीके का बर्ताव उन्होंने शुरुआत अभी से कर दिया है, नहीं ऐसा नहीं, शुरुआत कर दिया है, और इसको जो है उनको रोकना। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां पर इस बात को फैला रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के तौर से वोटिंग नहीं। इस बार लोकसभा में जो है एक मुसलमान की हैसियत से वोटिंग होगा। एक दफे खंधे का बोझा जो उतर गया है, बाद में अपनी राजनीति अपन यहां पर करेंगे। मैं यही इसी बातों को आपसे कहना